नमस्कार दोस्तों, अपूर्वा शर्मा के किचन में आप सभी का स्वागत है। तो एक बार मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ घेवर बनाना। तो आज हम बनाएंगे घर पर घेवर। सावन का महीना है, तीज का त्यौहार है और रक्षाबंधन भी आ रही है, तो घेवर बनाना तो बनता ही है। इस त्यौहार पर हमारे राजस्थान में घेवर बनाने की बहुत ही प्रथा है। तो आइए हम बनाते हैं घेवर। सबसे पहले रबड़ी बनाएंगे। तो रबड़ी बनाने के लिए ये 500 ग्राम मिल्क लिया है मैंने। दूध में एक उबाल आने पर हम इसमें थोड़ा मिल्क पाउडर मिक्स करेंगे। अभी मैं इसमें पानी मिक्स करूंगी और पानी से इसको घोलूंगी ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हमारा दूध जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा। और अब हम इसे अच्छे से हिलाते जाएंगे और ये गाढ़ा हो जाएगा, तब हम इसमें थोड़ा शुगर मिक्स करेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो जरूर डालिए, अगर नहीं है तो मत डालिए, ऐसे भी अच्छी रबड़ी बन जाएगी। गैस की फ्लेम हाई टू मीडियम रखनी है। तो दूध गाढ़ा हो गया है और अभी हम इसमें शुगर मिक्स करेंगे। ये 1/4 कप शुगर है तो ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। रबड़ी में मीठा कम ही होता है और हम अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। और साथ ही थोड़ी केसर डाल रही हूँ। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए रबड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। हमें ज़्यादा गाढ़ी रबड़ी नहीं बनानी है क्योंकि ये ठंडी होने पर थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी हम गैस की फ्लेम कर देते हैं बंद। अभी हम बनाएंगे शुगर सिरप। तो ये 1 कप चीनी ली है मैंने। साथ ही मैं इसमें 1/2 कप से थोड़ा सा कम पानी डाल रही हूँ। और चीनी मेल्ट होने देते हैं। हमें चाशनी तार वाली नहीं बनानी है, सिर्फ हमें चिपचिपाट वाली चाशनी चाहिए, जो शहद के जैसी होती है वो वाली चाशनी हमें चाहिए। तो मैं इसमें थोड़े केसर भी डाल रही हूँ। केसर से अच्छी खुशबू आती है, घेवर भी बनाकर खाया जा सकता है। मार्केट में रबड़ी वाला घेवर 100 या 100 से ज़्यादा का मिलता है और उतने ही पैसों में हम घर में खूब सारे घेवर बना सकते हैं। चाशनी बनकर तैयार हो गई है ये देखिए, और गैस की फ्लेम हम कर देते हैं बंद। तो अभी हम जार में 4 चम्मच घी डालेंगे। ये शुद्ध घी है, आप चाहें तो वनस्पति घी भी
ले सकते हैं। तो मैंने ये 4 चम्मच घी डाला है इसमें, और ये आइस क्यूब्स हैं, और मैं ये आइस क्यूब्स भी डाल दूंगी। और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। यह हमने ग्राइंड कर लिया है, और ये देखिए घी एकदम स्मूथ हो गया है बर्फ के साथ। अभी हम इसमें 1/2 कप दूध डालेंगे। ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। इसे हम एक बार फिर से ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, इसमें अब एक भी दाना नहीं बचा है घी में, ये बटर के जैसा हो गया है। अभी हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदा हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये 1 कप मैदा है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे। और हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे। और ये सारा मैदा इसमें डाल देते हैं। ये हलवाई वाली टिप्स है, जो मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ। हलवाई लोग बेसन इसमें डालते, बेसन से कलर भी अच्छा आएगा और ये क्रिस्पी भी बनेंगे। और अभी मैं इसमें ठंडा पानी डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके। और फिर से ग्राइंड करेंगे। तो ये ग्राइंड हो गया है, ये देखिए अभी ये गाढ़ा है, तो हम इसमें थोड़ा ठंडा पानी और डालेंगे। ये जितना पतला होगा उतना ही जालीदार हमारा घेवर बनकर तैयार होगा। ये देखिए, ये देखिए कितना स्मूथ बैटर बना है। ये रनिंग वाटर की जैसे है, ऐसा ही बैटर हमें चाहिए। तो ये हलवाई वाली टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच भर के नींबू का रस डाला है। और अभी मैंने इसमें ठंडा पानी लिया है, और साथ ही मैंने आइस क्यूब डाल दी है। तो मैं इसमें ये रख देती हूँ, क्योंकि खूब सारे बनेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए ठंडा रहना ज़रूरी है। आज हम घेवर भगोनी में बनाएंगे, आप चाहे तो कढ़ाई में बना सकते हैं। तो ये 1/2 से थोड़ा सा कम घी डालना है भगोनी में। और ये मैंने घी डाला है, आप चाहे तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। घी हमारा गर्म हो जाता है, हमें एकदम गर्म घी चाहिए। और गैस की फ्लेम रहेगी, बस सिर्फ तलवे पे ही इसकी फ्लेम लगनी, घी एकदम गर्म होना चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें डालेंगे। हमें इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, जब तक ये सही सेट नहीं हो जाता है। फिर से डालेंगे। इसके बीच में हमें एक होल बनाना है, ताकि हम उसमें बैटर डाल सके।
तो घेवर हमारा बनकर तैयार हो गया है और अभी हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए घेवर हमारा बनकर तैयार हो गया है। और फिर से हम बना लेते हैं। और फिर से होल बना देते हैं। तो अभी मैंने ये गैस पर कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें मैंने घी डाल दिया है। अभी हम इस कढ़ाई में घेवर बनाएंगे। तेल हमारा गर्म हो जाता है। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है और हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जब तक ये सिक नहीं जाता है, जब तक इसमें जाली नहीं बन जाती है, इसमें झाग बंद नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें इसे कुछ नहीं करना है, इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है। और अभी भी इसके बीच में होल बना देते हैं। जब तक ये क्रिस्पी और जालीदार नहीं हो जाता है, तब तक हम इसमें बैटर नहीं डालेंगे।
तरह हम सभी को बना लेते हैं। सभी घेवर बनकर तैयार हो गए हैं, ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए तो हम इस पर चासनी चढ़ा लेते हैं। ये थोड़ी थोड़ी करके हम चासनी चढ़ाएंगे इस पर। एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो इस जाली के अंदर से निकल जाएगी। और अभी हम इस पे रबड़ी लगाएंगे। और इस पर थोड़ी सी बादाम की कतरन लगा देंगे और साथ ही हम पिस्ता इस पर लगा देंगे। तो गाइस ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए ये भगोनी में हमने बनाया था। अब मैं इस पे चाशनी लगा लेती हूँ। ये हमने कढ़ाई में बनाया था। ये केसर लगा देती हूँ। तो गाइस देखिए कितने अच्छे घेवर बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए और अभी मैं इस पर सिर्फ चाशनी चढ़ाऊंगी। आप बिना रबड़ी के खा सकते हैं सिर्फ चाशनी वाले। तो गाइस देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए ये बिना चाशनी के घेवर है, तो आप इनको कंटेनर में रख सकते हो और जब आपकी इच्छा हो बना के खाने की तो आप इस पे चाशनी लगा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस देखिए कितने जालीदार बनकर तैयार हुए हैं हमारे घेवर। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और जालीदार बनकर तैयार हुए हैं। तो गाइज अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।